नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टोटल हेल्थ सॉल्यूशंस पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपके एक्ने या पिंपल्स की समस्या है। तो होता यह है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनके कारण पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है और लोग जाने अनजाने भी गलतियां करते हैं और उन्हें इस चीज का ज्ञान भी नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। एक्ने या पिंपल्स को एक लाइन में समझाऊं तो चेहरे के रोम छिद्रों के अंदर जब डेड स्किन और एक्स्ट्रा ऑयल फंस जाता है तब यह सिचुएशन क्लॉग पोर्स कही जाती है और स्वेलिंग वहां पर शुरू हो जाती है, यही एक्ने है। और साथ में वहां पर बैक्टीरिया भी फंसना शुरू हो जाते हैं जो कि रेडनेस को बढ़ावा देते हैं। अब थिंग्स विच शुड बी अवॉइडेड को शुरू करते हैं। पहला काम जो आपको करने से बचना है वह है बार बार हाथों से चेहरे को छूना। इसमें होता यह है कि आप खुद खुद बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर रहे हैं एक्ने तक और यह सिचुएशन उसको वर्स बनाती है। नॉर्मली छूना ठीक है लेकिन ओवर आपको नहीं करना है। आपको बार बार हाथों से अपने चेहरे को छूना नहीं है ताकि बैक्टीरिया आपके एक्ने और पिंपल्स तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा काम जो लोग अक्सर करते हैं, खास करके टीनेजर्स, जो कि है नाखूनों से पिंपल्स को कुरेदना, यह गलत है। और जब पिंपल्स अपने शुरुआती स्टेज पर होता है या फिर एक्ने जब रेड होता है और अंदर से भरा हुआ होता है तब तो बिल्कुल भी आपको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। कभी कभी यह काम उल्टा भी पड़ जाता है और वहां बड़ा सा फोड़ा है वो हो जाता है। तो आपको कभी भी पिंपल्स को कुरेदना नहीं है, आपको इस चीज से बचना है। तीसरी हैबिट की बात करते हैं जो कि है तकिए के कवर को बिना वॉश किए लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना। आप तकिए के ऊपर जब सोते हैं तब आपके सिर के ऊपर जो ऑयल होता है वह उस तकिए के ऊपर लग जाता है। यह ऑयल बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। जब आप रात को सोते हैं तब 7 से 8 घंटे आपका फेस तकिए के संपर्क में रहता है जो कि नए एक्ने और पिंपल्स होने की संभावना को 3 से 4 गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए नॉर्मली आपको यह करना है कि टाइम टू टाइम अपने पिलो के कवर को धोना है। चौथी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वह फेस वॉशिंग से रिलेटेड है। लोग फेस को धोते हैं लेकिन साबुन से धोते हैं जो कि एक्ने के लिए जरा भी अच्छा नहीं रहता। आपको करना यह है कि दिन में एक बार अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ करना है। साबुन फेस को ड्राई करता है, साथ में स्किन को हार्श भी करता है, इसलिए एक बार आपको चेहरे को फेस वॉश से जरूर साफ करना है। अगर आप एक अच्छी सी फेस वॉश की तलाश में हैं तो आप सैटर्न बाय जीएससी ब्रांड की फोमिंग फेस वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं। फोमिंग फेस वॉश है जो कि जेंटल और माइल्ड है, पिंपल्स के लिए सूट करेगी। एलोवेरा टी ट्री ऑरेंज पील के साथ में लेमन एक्सट्रैक्ट के साथ में आती है और इसमें रोज ऑयल भी शामिल है। टी ट्री एंटीबैक्टीरियल है और एक्ने पिंपल्स से फाइट करने में बहुत ही मददगार है। इस फेस वॉश को खरीदने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जहां से आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बाकी डिटेल मैं वीडियो के अंत में देने वाला हूं। पांचवी गलती जो कि एक्ने प्रोन स्किन वाले जो अक्सर करते हैं वह है अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना। लोग अक्सर तेल की तली चीजें और जंक फूड खाते हैं जो कि एक्ने के साथ में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अगर आप अनहेल्दी और ऑयली खाना खाते हैं यह एक्ने पिंपल्स को बढ़ावा देता है। साथ में बोनस टिप मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होना है। यह श्योर करना है कि आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो। हमारा आयुर्वेद यह सलाह देता है कि अगर आपका पेट अच्छी तरीके से साफ होता है तो यह एक्ने पिंपल्स के लिए अच्छा रहेगा, एक्ने पिंपल्स की समस्या है वो कम होगी। सिक्स्थ हैबिट की बात करते हैं जो कि फीमेल्स के ऊपर सबसे ज्यादा अप्लाई होती है, वह है मेकअप का ओवर यूज। एक्ने के लिए सबसे वर्स्ट थिंग जो हो सकती है वह है उसके ऊपर मेकअप का लेयर बनाना। अक्सर देखा जाता है कि वुमेन्स है वो एक्ने को छुपाने के लिए ऊपर मेकअप की एक मोटी सी लेयर बना देती हैं और यह लेयर करती यह है कि पिंपल और एक्ने को बढ़ावा देती है। होता यह है कि मेकअप की मोटी लेयर बनाने के कारण पिंपल्स है वो बड़े हो जाते हैं, साथ में मेकअप की लेयर उतारते टाइम वे हार्श भी हो जाते हैं। स्लाइटली कभी कभी टचअप मेकअप है वो चलता है लेकिन मेकअप की लेयर एक्ने और पिंपल्स के ऊपर बनाना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। लास्ट हैबिट जो कि आपको अवॉइड करनी है वह है ओयली मॉइस्चराइजर लगाना। जब बात मॉइस्चराइजर की आती है तो हर प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करेगा बिकॉज यू हैव पिंपल्स एंड एक्ने। सो जो मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है वही लगाना है। आपने देखा होगा कि कोई कोई मॉइस्चराइजर आप लगाते हैं तब दूसरे दिन कोई ना कोई नया पिंपल या एक्ने आपको दर्शन जरूर दे देता है। होता यह है कि मॉइस्चराइजर के अंदर का जो ऑयल होता है वह आपके चेहरे के ऊपर ऑयल को बढ़ावा देता है और यह पिंपल्स को प्रमोट करता है। आपको करना यह है कि ऑयली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। आपको जो मॉइस्चराइजर सूट करे वही आपको इस्तेमाल करना है। अब बात फेस वॉश की करते हैं जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। यह फेस वॉश आपको डेली एक टाइम यूज करनी है। नॉर्मल फेस वॉश की तरह ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर बिल्ट इन ब्रश है जिसकी सहायता से आप फेस वॉश को अच्छी तरीके से अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। बिल्ट इन ब्रश की सहायता से यह आपके चेहरे की जो क्लीनिंग है वो अच्छी तरीके से कर पाएगी, पोर्स की क्लीनिंग है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। इजी टू यूज है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसके साथ में इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल है वे आपके फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करने का काम करेंगे, ऑयल फ्री बनाएंगे, स्किन को ग्लो भी देगी और साथ में फेशियल स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगी। एमआरपी इसकी 499 रुपए है, बाकी ऑनलाइन इसको आप 399 रुपए तक आसानी से खरीद सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।